दोस्तों, क्या आप भी फोन पे से बैलेंस चेक करते हो? तो आपके सामने भी इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जैसे कि आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे जो है, मैं सुबह सुबह जब सो के उठा तो मैं अपने फोन पे में बैलेंस चेक किया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इश्यू आ रहा था मेरे फोन पे में। ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा था अनेबल टू फेच बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा था देयर आर ए टेक्निकल इशू एट योर बैंक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप फोन पे में यूपीआई पिन सही डालते हो, फिर भी आपका फोन पे में जो है बैलेंस चेक नहीं हो पाता है। यहाँ पे आपको सेम प्रॉब्लम इस तरह से शो होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करते हैं, इसी के बारे में हम डिटेल में आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, बस आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि फोन पे में ये दिखते बार बार क्यों आते हैं। गाइज, मैं आपको बता दूं, फोन पे में ये जो प्रॉब्लम शो होता है, ये आपके मतलब बैंक का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये फोन पे का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपका ये मतलब यूपीआई पिन का प्रॉब्लम है, और नहीं आपका फोन पे का प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, ये आपके बैंक का प्रॉब्लम है। बैंक में टेक्निकल इशू होता है, सर्वर काम नहीं कर पाता है सही से। ठीक है, इसीलिए आपको ये इशू देखने को मिलता है। ये बेसिकली ये इशू आपको कब मिलेगा? 8 बजे सुबह से पहले और शाम को 6 बजे के बाद ये इशू आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सब कुछ सही है, आपका फोन पे बिल्कुल सेफ्टी है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपको 2-4 10 सेकेंड वेट कर लेना है, या तो आपको 1 घंटा बाद अपने फोन पे में बैलेंस चेक करना है, और आपको यहाँ पे री इंटर यूपीआई पिन डाल के, यानी कि आपको फिर से अपने फोन पे का यूपीआई पिन सही डाल के आपको चेक करना है। उसके बाद आपका जो फोन पे में बैलेंस है वो सक्सेसफुली यहाँ पे बता देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना, ताकि इससे रिलेटेड हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।